हेलो बच्चों, मैं अमीपरा पार्वती बेन हिरपरा कन्या विद्यालय आप सबका हिंदी के सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा पाठ है पाठ नंबर 16, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। इस पाठ के लेखक है आनंद शंकर माधवन। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल के क्विलक जिले में हुआ था। डॉक्टर झाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधव जी का सक्रिय सहयोग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार के मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषा पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनशलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार के राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। बच्चों देखिए, हमारे जो लेखक है श्री आनंद शंकर माधवन, उसका जन्म केरल में हुआ था, यानी कि उसकी अपनी मातृभाषा है वो हिंदी नहीं है। लेकिन जब वो महात्मा गांधी के संपर्क में आए और आज़ादी के आंदोलन में उसने हिस्सा लिया, बाद में वो जेल में गए और वहाँ रहकर उसने हिंदी सीखी और उसने हिंदी में साहित्य सर्जन किया। उसका जो ग्रंथ है बिखरे हीरे, वो बहुत ही सुंदर है। और आमंत्रित मेहमान, उसको बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत किया है। ये जो हमारा पाठ है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। माधव जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप से करारा व्यंग्य किया है। हम सब जानते हैं कि प्राचीन गुरु शिष्य प्रणाली कैसी थी। तो पूरे भारत में बहुत सारे आश्रम थे और वहाँ रहकर शिष्य है वो गुरु के आश्रम में पढ़ाई किया करते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, नहीं पुराने शिष्य है और नहीं पुराने गुरु है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। बच्चे हैं वो गुरु को भगवान मानते थे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, वो वाला श्लोक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सभी से ज़्यादा कोई है तो वो गुरु है, यानी कि भगवान के समान है। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। आध्यात्मिक यानी धर्म से संबंधित। जैसे हम कोई धार्मिक क्रिया करते हैं उसी प्रकार गुरु है वो बच्चों को शिक्षा देते थे। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जा सकती थी। आज वैसी स्थिति है क्या? आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है। लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। आज का जमाना कैसा है और आज के जमाने में गुरु शिष्य के संबंध कैसे हैं, उसके बारे में लेखक हमें सोचने के लिए बाध्य करते हैं। चलिए अब हम आज का हमारा पाठ शुरू करते हैं। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है, इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। देखिए, आज पूरा भारत है वो व्यावसायिक हो गया है। व्यावसायिक यानी व्यापारी। जैसे व्यापारी है वो व्यापार करता है, उसी प्रकार शिक्षा में भी व्यापारीकरण हो गया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जा सकती। एक दोहा है कबीर जी का कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताई। यानी कि एक है गोविंद भगवान और दूसरा है गुरु। कवि कहते हैं कि दोनों मेरे सामने खड़े हैं तो उसमें पहले किसको मैं पाई लागू। तो
कबीर जी कहते हैं कि मैं गुरु को पाई लगूंगा, क्योंकि अगर गुरु नहीं होते तो मुझे गोविंद नहीं मिलते। यानी कि जो शिक्षा है वो पूरी आध्यात्मिक थी। गुरु भी सरस्वती देवी की उपासना करते थे और विद्यार्थी भी उसी प्रकार करते थे। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। न तो गुरु है वो सरस्वती का आराधक है, न तो शिष्य है, और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वो आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। यूरोप यानी अंग्रेजों के द्वारा लाई गई शिक्षा। पहले ऐसा होता था कि आश्रम परंपरा थी, लेकिन जब हमारे भारत में अंग्रेज आए और ये नई शिक्षा प्रणाली उसने दाखिल की, तब से ऐसा हो गया है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निःसंदेह उस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। वहाँ गुरु है वो बच्चों को अपने बच्चों की तरफ पालते थे, जैसे कि भगवान कृष्ण सांदीपनि ऋषि के आश्रम में वो पढ़ते थे, तो जैसे अपना बच्चा है उसी प्रकार वो सुदामा और भगवान कृष्ण को रखते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, तो अब विद्या है वो पैसे देकर खरीदी जाती है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे, जैसे कि द्रोणाचार्य, उसने अपने सभी शिष्यों को पुत्र से अधिक प्रिय माना था। अर्जुन है वो द्रोणाचार्य के लिए एकलव्य उसका जो पुत्र था उससे भी वो ज़्यादा प्रिय था। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उसका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी, परमेश्वर प्राप्ति उसका एक माध्यम था, वो आज पेट पालने का जरिया बन गई है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। विवेकानंद जो एक बहुत बड़े विचारक और भारतीय संस्कृति को उजागर करने वाले संत हैं, पहले भारत वाले उसको नहीं मानते थे, लेकिन जब वो शिकागो गए, अमेरिका में भारतीय संस्कृति का झंडा उसने फहराया, और तब भारत वाले उसको मालाएं पहनाने लगे। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग अरपते हुए कि अमादेर ठाकुर, अमादेर ठाकुर सपूत। अमादेर यानी हमारा, ये जो ठाकुर है वो हमारा है और हमारी बंगाल की जो भूमि है उसका सपूत है, ऐसा मानने लगे। कब मानने लगे? जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार यूरोप वालों ने दिया तब। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भारतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों ने मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी है क्या? यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती, मगर परायों के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मूलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। यानी कि विदेश के जो लोग हैं वो भारतीय संस्कृति को मानते हैं, हमारे जो नृत्य है और नृत्य कला है उसको श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन हम ऐसे हैं कि हम विलायत में पढ़ने के लिए जाए तो अपने आप को बड़ा मानते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। यानी कि जो लोग अंग्रेजी शिक्षा को मानते हैं और दूसरे देशों को ही महान मानते हैं, अगर उसको हम गुरु और शिष्य का संबंध कैसा है वो सिखाए, तो जैसे कोई गधा है उसको गणित सिखाए, ऐसा व्यर्थ प्रयास ही होगा। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया,
अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उसके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार है तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा बहुत बड़े कुश्ती के पहलवान थे, वो बम्बई आते हैं और उसके पास एक पारसी पत्रकार जाता है और वो कहता है कि आपने सभी को पराजित किया लेकिन आपका जो शिष्य है उस शिष्य का नाम वो देता है और उसको कहता है कि उसको आप पराजित करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम से रंगे नहीं थे इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं है। जिस लड़के का आपने नाम लिया है वह मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है, मैं लड़ा या वह लड़ा दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव से हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे, यानी कि हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं है। बालको तमने गुजराती में कहूँ कि अपना गुजराती नी अंदर एक कहेवत छे कि गुरु करता शिष्य छे ये सवायो होय छे, गुरु करता चेलो सवायो होय छे। तो यही जवाब गामा ने दिया उस पत्रकार को। उसने पत्रकार को कहा कि मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में शिष्य है उसको पुत्र माना जाता है। जैसे कि गुरु द्रोण, उसने अपने से बढ़कर अर्जुन को बनाया। जैसे कि परशुराम, उसने कर्ण को अपने से भी अधिक माना था। उसी प्रकार गामा भी यही बात कहते हैं कि मैं अपने शिष्यों से नहीं लड़ता, इसलिए नहीं लड़ता, उसको इसलिए नीचा नहीं दिखाता क्योंकि मैं अपनी जात से भी उसको अधिक मानता हूँ। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह एक भव्य रूप आज साधु पहलवान और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। भगवान रामकृष्ण कौन? विवेकानंद के गुरु। वो सालों तक वो काली माता की उपासना करते थे और सालों तक यही इच्छा रखते थे काली माता से कि हे माँ मुझे एक ऐसा शिष्य दे जिससे मैं अपनी परंपरा को आगे बढ़ाता रहूँ। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ती थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। अगर चाणक्य को चंद्रगुप्त नहीं मिला होता तो हिंदुस्तान का इतिहास ही कुछ और होता, क्योंकि चाणक्य तो थे लेकिन उसका शिष्य चंद्रगुप्त, उसने उसके जो ज्ञान था उसका जो ज्ञान था उसको आगे बढ़ाया और एक समर्थ राज्य भारत को दिया। तो उसी प्रकार गुरु और शिष्य दोनों का संबंध ये है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। भगवान ईसा यानी भगवान यीशु ख्रिस्त, जिसने ख्रिस्ती धर्म की स्थापना की है, उसका एक विधान है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है और उसकी जुतिया होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उसके पीछे चलते भी है। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिसमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। हमारे बंधारण के लेखक है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, उसने एक जगह पर लिखा है कि आप महान बनिए, अगर आप महान बनोगे तो अन्य व्यक्ति में रही हुई महानता आपसे मिलने के लिए दौड़ी आएगी। यही बात यहीं पर है, यानी कि गुरु को अगर महान बनना है तो शिष्य को महान बनाना पड़ेगा और अगर शिष्य को महान बनना है तो उसको गुरु को मानना पड़ेगा।
कविता के मर्मग्न रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं, संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उससे देखने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा ही इस पथ के यात्री रही है। यानी कि अगर हमारी दृष्टि नहीं होती तो हमें फूल है वो सुंदर नहीं लगेगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक चित्रकार ने मोर का सुंदर चित्र बनाया और उसको एक जगह पर रख दिया और उसके नीचे लिखा कि इस चित्र में जिसको भी जिस जगह पर कमी आए वहाँ पर एक क्या है, एक निशान लगा दे। तो दूसरे दिन उसने देखा कि मोर के सारे चित्र पर कुछ न कुछ निशान थे। हकीकत में मोर का सुंदर चित्र था, लेकिन सभी को कुछ न कुछ गलत लगता था और उसने निशान लगा दिया था। यानी कि सौंदर्य को पाने की हमारी दृष्टि होनी चाहिए। गुरु को हम तब पा सकते हैं जब हमारी दृष्टि में महानता हो। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों ने हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परक गुण की साधना और प्रतिभा की होती है, भक्ति और श्रद्धा की कीमत नहीं है। नहीं जाति संप्रदाय आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहांतों में भरत मियाँ, रजत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्य ने कहा, सेवा देने की चीज़ है लेने के नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझा। सेवा रूपी पूजा से उसकी शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उसकी मात्रा तक ही संभव है जिसकी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में निवेदया भावना भरी रहती है। यानी कि पुराने जमाने में और आज के जमाने में जो गुरु शिष्य परंपरा थी उसमें बहुत तफावत आ गया है। जो भावना गुरु में थी वो आज के गुरुओं में नहीं है और जो भावना शिष्यों में थी वो आज के शिष्यों में नहीं है। अगर हमें अपनी पुरानी गुरु शिष्य परंपरा को जीवंत रखना है तो गुरु के प्रति आदर शिष्य को रखना चाहिए और गुरु को भी चाहे कि अपने शिष्यों को अपने संतानों की तरह रखे। अस्तु।